इसलिए मैं इसको कंपेयर भी कर रहा हूँ और ब्रांड्स के साथ, बिकॉज मैं और ब्रांड भी चला रहा हूँ साथ साथ इसके। तो मैं बोलूंगा आप लोग इस गाड़ी की तरफ ना जाए, इस सेगमेंट में काफी अच्छी है। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं और इसको लेके ना अभी करंट टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि हमें पंच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या 2023 में पंच लेना सही ऑप्शन है या नहीं है। तो जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि यार मुझे टाटा की कार सेल करनी है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ और मैं ये कवर करता हूँ कि क्या किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए और किन लोगों को ये कार नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर किन लोगों के लिए कार अच्छी है और किन लोगों के लिए कार खराब है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो बात करें कौन कौन ये लोग कार कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले वो लोग जिनको सेफ्टी चाहिए अपनी कार पे, जिन लोगों का पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है, वो इस लोग इस कार की तरफ जा सकते हैं। सेकंड मैं बात करूँ उन लोगों की जिनको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए गाड़ी से, और जिनको मतलब जिनको रफ पैचेस, रफ एरियाज वगैरह में जो लोग चलाते हैं, और जिनको खराब रोड्स पे जिनका लोगों का ज़्यादा आना जाना है, वो लोग इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। और वो लोग जिनका बजट मैं बोलूँ अराउंड 6 to 8 lakh है, और उन लोगों को कोई कार देख रहे हैं वो लोग, तो वो इस कार पे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वो लोगों की जिनको अपनी कार के साथ अच्छी कंफर्ट चाहिए, जिन लोगों को कार की हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, वो लोग भी इस कार को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इस कार में कंफर्ट और हैंडलिंग के मामले में ये कार काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ज़्यादा वीडियो को खींचेंगे नहीं फालतू की, मैं चीज़ें आपको बताऊंगा नहीं कि यार, सिंपल सिंपल मैं आपको बातें बता रहा हूँ और ये जेन्युइन चीज़ें हैं। इसमें कोई मैं आपको बड़ा चढ़ा के या कुछ वो करके नहीं बता रहा, जो जेन्युइन चीज़ है जो वो है, जो आप बाकी यूट्यूबर्स ने शायद आपको ना बताई हो, मैं ये वो चीज़ें आपको कवर करके बता रहा हूँ। और ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे, और मैंने ये इस कार को काफ़ी ड्राइव कर लिया, और ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस है गाइस। आप खुद भी कार को चला के देख सकते हैं, और जो चीज़ मैं अगर बोल रहा हूँ और आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करूँ मैं कि कौन है जिनको ये कार नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यार, अगर आपकी ज़्यादा ड्राइविंग सिटी में है, या आपकी सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है, या ट्रैफिक कंडीशन आपकी सिटी में ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बोलूँगा आप लोग इस गाड़ी की तरफ ना जाएं। बिकॉज यार ऑनेस्टली स्पीकिंग गाड़ी में माइलेज इशू इतना नहीं है, बट अगर आपको ट्रैफिक, आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा है, आपको सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक है आपकी, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा माइलेज ना मिल पाए जितना आपको और कार्स दे पाए। बट जैसे मैंने बोला, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस कार में जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो सेफ्टी, जो कंफर्ट, जो ड्राइव हैंडलिंग जो इस कार की दी जा रही है, वो आपको और कार्स में नहीं मिलेगी। वहीं मैं बात करूं, अगर हाँ, अगर आपके लिए प्रायोरिटी आपकी माइलेज है और आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा है, आपकी सिटी में काफ़ी ट्रैफिक है और आपकी जितनी भी ड्राइविंग रनिंग है वो सिटी में ही है, तो उस केस में आप इस कार को कंसिडर ना करें, बिकॉज उससे बेटर आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं मार्केट में। बात करें हाँ, अगर जिनकी ड्राइविंग हाईवेज में ज़्यादा है, जिनकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशंस कम है, जहाँ की सिटी में ट्रैफिक कम है, वो लोग इस कार को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये हाईवे के लिए ये कार बहुत अच्छी है। हाईवे में आप इसमें बहुत अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हो। तो अगर आपकी रनिंग हाईवेज में ज़्यादा है या आपकी सिटी में ट्रैफिक इतना नहीं है, तो आप इस कार में डेफिनेटली जा सकते हो। अगर वो लोग जो चाहते हैं यार कि हमें गाड़ी तो खरीद ली बट उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी उनको अच्छी चाहिए, तो उस केस में भी आप इस गाड़ी की तरफ ना ही जाएं तो बढ़िया है, बिकॉज टाटा को अभी अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे वो बेटर हो रहा है, बट टाइम लगेगा उसमें अभी और बेटर होने के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस, आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो उस केस में भी आप इस गाड़ी को इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी उन लोगों को, जिन लोगों को गाड़ी की फिट एंड फिनिश, जिन लोगों को गाड़ी का मतलब यार हर एक चीज जो लोग मैटर करती है, जिन लोगों के लिए
गाड़ी की फिट एंड फिनिश भी उनके लिए काफी मैटर करती है, वो लोग भी इस कार में ना, इस कार की तरफ ना जाए तो बेटर है, बिकॉज गाड़ी में की फिट एंड फिनिश में इश्यूज हैं और ये काफी लोगों ने रेस किया हुआ है, ये मैंने भी रेस किया इस बात को कि गाड़ी की फिट एंड फिनिश में सीरियसली इश्यूज है। तो अगर लोगों को चाहिए, अगर जो लोग के लिए मैटर करता है गाड़ी की फिट एंड फिनिश, वो भी इस गाड़ी की तरफ ना जाए तो बेटर है। उसके अलावा मैंने ये बात पहले भी कई वीडियोस में बोली है, अगर आपका जो बजट है वो 8-10 के बीच में है या आप 8 से ऊपर स्पेंड कर सकते हो, तो आप, मैं बोलूंगा आप इसके हायर मॉडल्स पे स्पेंड ना करें, उसके बदले आप किसी और कार्स की तरफ भी जा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कार्स हैं जो उस रेंज में आपको बहुत अच्छे फीचर्स और बहुत अच्छा इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है। तो अगर आपकी रेंज ज्यादा है तो इसके अपर मॉडल में आपको नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अपर मॉडल में अगर आपको जाना ही है तो यार आप उससे बेटर आप नेक्सॉन ले लो। तो उस रेंज में अगर आप देख रहे हो कार, तो उस रेंज में इस कार को ऑप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको ये कार लेनी है तो आप इसका एडवेंचर और क्रिएटिव मॉडल तक आप जा सकते हो। एडवेंचर और क्रिएटिव मॉडल वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं, तो उस प्योर एडवेंचर एंड क्रिएटिव वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं, इस क्रिएटिव तक आप जा सकते हो। उसके ऊपर आपको इस कार में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, उससे बेटर है फिर आप कोई और ऑप्शन देख ले, किसी और कंपनी में देख ले, या फिर अगर आपको इस कंपनी की देखनी है तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी यार ऐसा जो भी पॉइंट है मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं, ये ही पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है इनमें से आप किसी पॉइंट पे एग्री करते हो मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या अगर आप डिसएग्री भी करते हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे भी वो भी चीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो यार, जो मैंने बताया वो मेरा पूरा जेन्युइन बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ, और उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। पर ये नहीं कि मैं सिर्फ टाटा की कार ही चला रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं इसको कंपेयर भी कर रहा हूँ और ब्रांड्स के साथ, बिकॉज मैं और ब्रांड भी चला रहा हूँ साथ साथ इसके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो भी मेरा जजमेंट है। तो वही है, अगर इन पॉइंट में अगर आपको लगता है कि यार ये चीज हाँ मेरे उसमें आ रही है, या ये चीज यार मेरे लिए ये चीज मैटर करती है, तो उस हिसाब से आप इस गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर उन पॉइंट्स में आप नहीं आ रही आपकी, तो फिर उस हिसाब से आप किसी और कार की तरफ भी जा सकते हो। तो यार यही सिंपल से पॉइंट्स हैं। आपको YouTube में बहुत लोग बहुत चीजें बता रहे हैं, ऐसा जो मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट यही सब चीजें हैं इस कार के बारे में। और अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके लिए मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूंगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा पंच के अलावा और कार्स भी हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे चैनल्स में ओनरशिप रिव्यूज भी आ रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।